गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा जो भूगोल विषय का द्वितीय किताब है बच्चों, सेकंड भाग, उसमें हमारा अध्याय संख्या 3 हमने शुरू किया था, भारत का अफवाह तंत्र बच्चों पाठ का नाम था। आज अपन भारत के प्रमुख अफवाह तंत्र को बांट के अलग अलग भागों में बांट के पढ़ेंगे। भारतीय अफवाह तंत्र में यानी कि कहाँ से नदियाँ निकलती है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो भारत के अफवाह तंत्र को देखते हैं। भारतीय अफवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियाँ शामिल है। ये 3 बड़ी भूआकृतिक इकाइयों की उद्भव विकास प्रक्रिया तथा वर्षण की प्रकृति एवं लक्षणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। पहला है हिमालय अफवाह। हिमालय अफवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर से विकसित हुई है। इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी प्रमुख है। यहाँ की नदियाँ बारहमासी होती है क्योंकि हिमालय पर बर्फ़ जमी रहती है, तो गर्मियों में जब बरसात नहीं होती तो वो बर्फ़ पिघल करके पानी जो है नदियों के रूप में नीचे बहता रहता है। तो हिमालय से निकलने वाली बच्चों सारी नदियां जो है बारहमासी यानी पूरे साल भर बहने वाली होती है। ये नदियां गहरे महाखंडों से गुजरती हुई हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित होती है। महाखंडों के अतिरिक्त ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटियाँ बनाती है, शिप्रिकाएँ बनाती है, जलप्रपात बनाती है। जब ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो ये निक्षेपणात्मक यानी कि उनके साथ जो अपशिष्ट पदार्थ बच्चों बहा कर लाए जाते हैं उससे भी अनेक प्रकार की जो है आकृतियाँ बनती हैं। वो कौन कौन सी होती है निक्षेप जमाने से देखना, समतल घाटियाँ बनाती है, गोकुरनुमा झील बच्चों, ये मैंने जो क्लास ली थी आपकी ऑफलाइन उसमें बताया था, गोकुरनुमा झील, बाढ़कृत मैदान, गुफित वाहिकाएँ, नदियों के मुहाने पर डेल्टा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको उस टाइम बताई थी। परंतु मैदानी क्षेत्र में इसके सर्पाकार मार्ग में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है और अपना रास्ता बदलती है। अंडरलाइन करना मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि वो हर साल बिहार में जो है बाढ़ से तबाही मचाती रहती है, इसलिए कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। अपना मार्ग बदलने के लिए नदी कुख्यात है। यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में जमा कर देती है। इससे नदी का रास्ता रुक जाता है और परिणामस्वरूप नदी अपना रास्ता बदल लेती है। कोसी नदी उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में इतनी भारी मात्रा में अवसाद क्यों लाती है? क्या आप सोच सकते हैं कि सामान्यतः नदियों में विशेष तौर पर कोसी नदी में जल का बहाव एक समान क्यों नहीं रहता है? इन सब के बारे में अपन अध्ययन आगे करेंगे। तो हिमालय अफवाह तंत्र का विकास देखना बच्चों, कब हुआ था विकास, कब से इसमें नदियाँ निकल रही है इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। हिमालय पर्वतीय अफवाह तंत्र का विकास। हिमालय पर्वतीय नदियों के विकास के बारे में एक मत नहीं है। यद्यपि भूवैज्ञानिक मानते हैं कि मायोसीन कल्प में लगभग 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले एक विशाल नदी जिसे शिवालिक या इंडो ब्रह्मा कहा गया है हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्ध्य विस्तार के साथ असम में पंजाब तक बहती थी और अंत में निचले पंजाब के पास सिंध की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती थी। यानी कि ये इतना प्राचीन इतिहास जो है इसका हिमालय का अफवाह तंत्र का माना जाता है। शिवालिक की पहाड़ियों की असाधारणता, निरंतरता, इनकी सरोवरी उद्गम और इनका जलोढ़ निक्षेप से बना होना जिसे रेत मृतिका, चिकनी मिट्टी, गोलाश्म व कॉन्ग्लोमेरेट शामिल है, इस धारणा की पुष्टि करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कालांतर में इंडो ब्रह्मा नदी 3 अफवाह तंत्र में बटी हुई थी। पश्चिम में सिंध इसकी 5 सहायक नदियाँ, मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली सहायक नदियाँ और पूर्व में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ और खुद ब्रह्मपुत्र नदी। तो हिमालय अफवाह तंत्र को बच्चों 3 भागों में बांटा है, ध्यान रखना। पहला सिंधु पश्चिम में जो चला जाता है, फिर गंगा जो मध्य में होकर के और एक पूर्वी हिस्से में जो चली जाती है ब्रह्मपुत्र। तो हिमालय अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा है, एक सिंधु नदी प्रवाह तंत्र, गंगा नदी प्रवाह तंत्र बच्चों, और ये है ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाह तंत्र। अब हिमालय अफवाह की प्रमुख नदियों के बारे में देखते हैं बच्चों, प्रमुख नदियाँ। पहली है सिंधु नदी। यह विश्व के सबसे बड़े नदी द्रोणियों में से एक है जिसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत के क्षेत्रफल में ये भारत में लगभग 3,21,289 वर्ग किलोमीटर तक बहती है। कुल लंबाई 2,880 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 1,114 किलोमीटर है। भारत में हिमालय की सबसे पश्चिमी नदी है। इसका उद्गम, अंडरलाइन कर लेना, सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखुरचू नामक झील से होती है। कैलाश पर्वत में बोखुरचू नामक झील से जो है सिंधु नदी निकलती है। तिब्बत में इसे लोग जो है सिंगी खबान या शेरमुख कहते हैं। लद्दाख, जास्कर पहाड़ियों में भी इसका अलग अलग नाम है बच्चों। बीच में उत्तर पश्चिम में बहती हुई यह लद्दाख और बलूचिस्तान में चली जाती है।
लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह नदी जम्मू और कश्मीर में गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है। यह पाकिस्तान के चिल्लस के निकट दरादिस्तान में प्रवेश करती है। मानचित्र पर इस क्षेत्र को रेखांकित करें। सिंधु नदी की बहुत सहायक नदियां हैं जिसमें सयोग, गिलगित, चास्कर, हूजा, नुब्रा, सिगार, गास्टिंग, द्रास प्रमुख है। अंततः यह नदी अंकट में पहाड़ियों में बाहर निकलती है जहां दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है। इसके बाद प्रमुख सहायक नदियों में खुर्रम, तोची, गोमुल इसमें आकर मिल जाती है। ये सभी नदियां सुलेमान श्रेणियों से निकलती है। यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिथनकोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती है। पंचनद नामक पंजाब की 5 प्रमुख नदियां जिसमें सतलुज अंडरलाइन कर लेना पंजाब सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां महत्वपूर्ण सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम को दिया गया है। झेलम देखना इसकी सहायक नदियों के झेलम जो सिंधु की प्रमुख सहायक नदी है कश्मीर घाटी के निकट पीर पंजाल गिरिपथ में स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है। झेलम नदी वेरीनाग झरने से निकलती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह श्रीनगर और वुलर झील में बहते हुए एक तंग गहरे गड्ढे में गिरती है। दूसरी नदी है बच्चों इसकी सिंधु की सहायक नदी चेनाब। यह जो है हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट तांडी में आपस में मिलती है इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। चेनाब नदी को ही चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है। रावी नदी देखना रावी भी सिंधु की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतक दर्रे के निचले पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंपा घाटी में बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। इसके अलावा और भी इसकी सहायक नदियाँ हैं जिसके बारे में पढ़ेंगे। व्यास नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। व्यास सिंधु की जो है अन्य प्रमुख सहायक नदी है। ये व्यास कुंड से निकलती है बच्चों ध्यान रखना है अपने को। सतलज नदी जो है मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है। तो ये सिंधु नदी थी जिसके बारे में पढ़ा था बच्चों। आपको ये कहाँ से निकलती है, भारत में कितने किलोमीटर लंबी ये बहती है, इसके बाद आपको बताना है इसकी सहायक नदियों के नाम। फिर सहायक नदियों में भी सहायक नदियाँ जो 5 प्रमुख हैं उनके उद्गम स्थलों के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। ध्यान रखना बच्चों भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो इसी सिंधु नदी पर बनाई गई है और हरि के बिराज बांध भी सिंधु नदी पर ही है। ये भी प्रश्न बन सकता है। तो दोनों प्रश्नों को आप अंडरलाइन कर सकते हो और इनको पढ़ सकते हो। अब अगली जो नदी है उसको अगली वीडियो में अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।